हाय फ्रेंड, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा एसी पंप डाउन कैसे करें। तो आप ये देख सकते हैं, दो वाल है, ये डिस्चार्ज वाल लाइन है, ये सेक्शन लाइन है। तो ये डिस्चार्ज लाइन फेंकने का काम करता है और ये सेक्शन लाइन खींचने का काम करता है। तो हमको पंप डाउन करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, डिस्चार्ज लाइन को बंद करते हैं ताकि गैस इनडोर, हमें पंप डाउन करने के लिए आउटडोर में गैस को होल्ड करना है। तो अगर डिस्चार्ज लाइन बंद करेंगे तो क्या होता है, आउटडोर में सेक्शन के थ्रू आउटडोर में होल हो जाता है गैस। अगर हम पहले सेक्शन का बंद कर देंगे तो अपना गैस होल नहीं हो पाएगा, सारा इनडोर में चला जाएगा गैस। तो इसकी वजह से हम सबसे पहले डिस्चार्ज का वाल्व बंद करेंगे। तो चलिए हम आपको बताते हैं। ये देखिए, सबसे पहले आप दोनों ये डेड कैप खोल लें एसी का। हम डेड कैप दोनों खोल लेते हैं। तो इसमें देखिए ये लंकी लगेगा कि कौन से साइज का एलंकी है वो देख ले। इसमें 5 नंबर एलंकी लगेगा, तो हम 5 नंबर एलंकी लेंगे। तो हम डिस्चार्ज लाइन पहले बंद करेंगे ताकि हमें गैस होल्ड करना है। अगर आपको पंप डाउन समझ में नहीं आता है तो आप चार्जिंग लाइन भी लगा सकते हैं। चार्जिंग लाइन इसको लगा के रख सकते हैं। देखिए हमने चार्जिंग लाइन लगा के रखा है, गैस भी दिखा रहा है। तो हम पहले डिस्चार्ज लाइन बंद करेंगे। डिस्चार्ज लाइन बंद करने के बाद कितने टाइम के बाद अपने को सेक्शन बंद करना चाहिए, अगर आपको पता ना हो तो ऐसे चार्जिंग लाइन लगा के रख सकते हैं। आपको बताने के लिए मैं लगा के रखा हूँ। तो इसमें देखिए, आप डिस्चार्ज लाइन बंद करने के बाद डिस्चार्ज लाइन में बंद कर रहा हूँ, डिस्चार्ज लाइन मैंने बंद कर दिया। अभी आपको कितने टाइम के बाद सेक्शन बंद करना है ना समझ में आया तो गेज देख सकते हैं। ये अपना गेज माइनस की तरफ जा रहा है, मतलब गैस आउटडोर में होल्ड हो रहा है। ये देखिए जीरो हो गया, नीचे गया। इसके जीरो होने का मतलब अपना गैस आउटडोर में होल्ड हो गया। तो अब हम सेक्शन वाला बंद करेंगे। सेक्शन वाल बंद कर लेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो गेज लगा के देख सकते हैं। सेक्शन वाल बंद करने के बाद बंद कर रहे हैं। अब मेन स्विच बंद कर, मैं स्विच बंद कर दिया अभी। तो कभी भी आप एसी चालू करके ही पंप डाउन करें, बंद में पंप डाउन नहीं होता है। तो ये देखिए दोनों वाल बंद हो गया, जो ऊपर गैस है आउटडोर में होल्ड हो गया है। तो अगर आपको कभी भी समझ में नहीं आता है तो आप ऐसे गेज लगा के चेक कर देख सकते हैं कि कब हमें गैस होल्ड करने का। तो हमारा पंप डाउन कम्प्लीट हो गया, देख लीजिए। अभी आपको खोल के दिखाते हैं, थोड़ा भी इसमें परेशान नहीं रहेगा। देख सकते हैं थोड़ा भी प्रेशर नहीं था, पाँच लाइन में पूरा अच्छे से एकदम पंप डाउन हो गया। तो कभी भी सबसे पहले पंप डाउन करते वक्त अपना डिस्चार्ज लाइन बंद करें। डिस्चार्ज लाइन बंद करने के बाद चार्जिंग लाइन लगा के रखें। अगर आपको समझ में नहीं आता है कि कितने टाइम बाद सेक्शन वाल बंद करना है तो गेज में देख के, गेज जीरो में जाए तो सेक्शन वाल बंद कर दें। सेक्शन वाल बंद करने के बाद तुरंत अपना मेन स्विच ऑफ कर दें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।